तो कैसे आप लोग, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी रिजल्ट 2023 के बारे में। तो जो आपका रिजल्ट है वो कब तक रिलीज किया जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, डाउनलोडिंग का प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है आज की वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक है। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें जो आपका महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी का जो एग्जाम है वो फिलहाल 13 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था। रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी जनवरी में रहेगी इन द फोर्थ वीक कह रहे हैं, बाकी तो फिलहाल मंथ के मिड में या फिर मंथ के लास्ट वीक में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जनरली जो वेबसाइट्स पर अपडेट गूगल पर आते हैं रिजल्ट के, वो ज़्यादातर जो है मंथ के मिड में रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं या फिर मंथ के लास्ट वीक में। तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि मंथ का फोर्थ वीक मांग चल रहे हैं हम, जनवरी के फोर्थ वीक अराउंड 25 से 31 के बीच फिलहाल ये एक्सपेक्टेड है। ऑथेंटिकली या पुराने आर्टिकल चेक कर लीजिएगा 2022 और 21 के आर्टिकल लास्ट 2 या 3 के गूगल पर डाल के सर्च कर लीजिएगा, लास्ट 2 सेशन डाल के जिस सेशन का आपका रिजल्ट दिख रहा हूँ तो उसमें एग्जाम डेट और एग्जाम रिजल्ट डेट दोनों नोट कर जाएगी, उसके डिफरेंस से पता लग जाएगा टाइम कितना लगा था रिजल्ट को आने में। बाकी दो पुराने आर्टिकल हैं, इस साल की बात करें तो डाउनलोड कैसे करना होगा, सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, होम पेज पर आपको लिंक मिलेगा रिकमेंड टैब में या फिर लेटर न्यूज सेक्शन में, लिंक पर क्लिक करेंगे लॉगिन करेंगे और अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। लॉगिन आपको विंडो में एंटर करना होगा डिटेल आईडी पासवर्ड और लिंक आपको रिकमेंड टैब में या फिर जो लेटर न्यूज सेक्शन में हो जाए वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।